क्या मस्त टनल है यार, फुल चिल मार रहा है। वेनिस ऑफ इंडिया कारा, और देखो नजारा। आज जम्मू से हम करीबन 11 बजे हम निकले, और स्टार्टिंग में जो रास्ता था वो ठीक था उधमपुर तक, और उधमपुर के बाद जो रास्ता था वो थोड़ा सा एक टनल क्रॉस करने के बाद ख़राब हो जाता है पूरा का पूरा। उधमपुर से पहले भी थोड़ा सा ख़राब था, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करी थी हमने, और इसमें टनल भी है। मोस्टली पूरा दिखने में तो लग रहा था कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें पहुँचते श्रीनगर शाम के 7 बज के। हालांकि डिस्टेंस कुछ खास नहीं था, 220 किलोमीटर ही लिखा हुआ था, बट हमारा तेल निकल गया पहुँचते पहुँचते। अनीशा स्वीट, देख वो होता है भूखलन। जम्मू कश्मीर, कश्मीर ये रास्ता दूसरा पत्नी टॉप चला गया, और अब हम निकलेंगे एक टनल से। क्या मस्त टनल है, देखियो फॉरेन की टनल लग रही है। सही कह रहा है, फॉरेन की लग रही है, इंडियन मेड, फॉरेन लिकर होती है जैसे, वैसे इंडियन मेड। सही में ब्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, काफ़ी बड़ी टनल लग रही है। ये कैसी आवाज़ आ रही है इसमें? इसमें अनाउंसमेंट हो रही है एयरपोर्ट की तरह, रेलवे स्टेशन की तरह। कृपया ध्यान दीजिए, बीच बीच में वॉशरूम। यार कितना अच्छा बना रखा है टनल, लिमिट इसकी 50 की है, टॉयलेट है, एस्केप्स है। ये टनल तो कहीं और ही निकाल देगी यार, बहुत बड़ी टनल है ये, ऐसी लग रही है टनल खत्म ही नहीं होगी। हॉर्न की भी क्या सही आवाज आ रही है, क्या बोलता है, ऐसा लग रहा है टनल खत्म ही नहीं होने वाली है। भाई गोटे तो पूरा पहाड़ नीचे से क्रॉस कर दिया ये, और एक नहीं कई पहाड़ों को क्रॉस कर दिया, क्योंकि जितनी देर होगी सीधा ही चल रहा हूँ, सीधा ही दिख रहा है, और चले ही जा रहा हूँ लाइक इन्फिनिटी। अनंत, अनंत से भी आगे रोड ट्रिप JNK, देखो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। हिमाचल की तरफ से तो एंट्री दी नहीं उन्होंने हमें, तो हमें यहाँ जम्मू के रास्ते से आना पड़ा। यहाँ RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, रैपिड टेस्ट हो रहा था और पास मिल रहा था, हमने पास लिया और चल पड़े, और चल ही रहे हैं तब से। यार जब ये पहले टनल नहीं होती थी तो क्या जम्मू कश्मीर से कॉन्टैक्ट कैसे होता था, तो मतलब जम्मू से तो कश्मीर से कैसे कॉन्टैक्ट होता था? दोस्तों आप भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ, जबरन टनल, और अभी तो यही है, अभी जवाहर टनल भी आएगी, गजब की टनल है ना। हाँ मैं पत्नी टॉप गया था तब भी ये टनल देखी थी, लेकिन हम इसके यहाँ गए नहीं, मेरे दोस्तों ने मना कर दिया जाने से कि नहीं कश्मीर नहीं जाना अभी, वो क्योंकि 2 बार हो चुके थे। मेरे को लगता है मुझे ये बंद ही करना पड़ेगा, टनल तो खत्म नहीं होने वाली। उबासी ला दी इस टनल ने, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के दीवानोगी, हम क्या करे, मो मो, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। मजा आ रहा है मोटरसाइकिल चलाने में, टनल तो ऐसी है ये रपा रप। वो सही कह रहा था, 270 किलोमीटर अगर हम ऊपर से जाते तो पहाड़ों पे से, टनल से जाएंगे तो छोटा पड़ेगा। आखिर में इस टनल का अंत आ ही गया।
ये है तूने बहन तो सारे अच्छे रास्ते चलाई, अब ये वाहियात रास्ता आ गया। तू जब खैचू खैच ले रहा था वो रास्ता सही भी था। मेरे साथ बेंगलोर में मैं जगदीप नहीं है, हमारा एक दोस्त था, तो उसके कॉलेज का एक लड़का था, कश्मीरी था वो, आदिल नाम था उसका, और मैं पीता था तो उसने मुझे इसलिए मिलवाया कि माल पीता था, तो अपन माल पी रहे थे, तब वो बता रहा था, कह रहा यार कश्मीर में ना ऐसे गवर्नमेंट हमारी सुनती नहीं है। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट किसकी सुनती है, होटल पे चल के बैग लेंगे रखेंगे और अगले दिन चेकआउट कर देंगे और बोलेंगे सामान ये रख ले हमें गुलमोर तक जाना है, गुलमोर घूम के आएंगे, कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वापस श्रीनगर। बजरंगी भाईजान देखेंगे वहां चल के, क्या रास्ता है वो तो। शुगर मना नई मोटरसाइकिल है तो शायद पंचर ना हो, पुरानी होती तो वेंचो हो ही जाती है ना। अंग्रेजों के टाइम पे वेंचो अंग्रेज यहाँ तक कैसे पहुंचते थे वेंचो अपना पैसा लेने? तू चाहे तो पाकिस्तान जा सकता है बिना आईडी के। अब यहाँ देख ले 200-200, 300-300 किलोमीटर कितने मुश्किल होते हैं। अब तू अब फोन अगर तेरा फोन चालू हो गया तो मतलब अब तू कितने दिन भी रुक जाएगा यहाँ? हाँ लेकिन फोन पे काम कैसे करेगा? क्यों अब डाइवर्ट भी कर लेना, तेरी कॉल्स की इनकमिंग भी इसी पे आ जाएंगी फिर, और अपने स्टेटस पे लगा दे कि कॉल मी ऑन दिस नंबर व्हाट्सएप के। अब देख ले ये भी हाईवे ही है। अबे झंडा कहाँ है पीछे का झंडा? यार तू वैन से देख, तेरे बैटरी गायब होता है, मैं शीशे में देख रहा हूँ है नहीं है अभी जा रहा भाई। मैं तेरे सामने जब उतरा था बैग टंगाया था तब लटका हुआ था वो झंडा। अरे यार क्या मैं क्या यार हाँ यार कमाल कर दिया है। मैंने अभी शीशे में देखा वैन चल दिखाई नहीं दे रहा, मेरे दोनों पोल चले गए वैन चल। देख बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है इन्होंने, देख रहा है तू बुलेट प्रूफ वेस्ट। अबे इनकी रसद खत्म ही नहीं हो रही, और ये नदी उल्टी कैसे बह रही है? अबे तू देख रहा किधर बह रही है ये? फोटो चल रहा था कि यहाँ इन पहाड़ों पे बफोर्स गन है, बफोर्स तू देख रहा है ये गन जो लेके जा रहे हैं ये भैंचो, इतना माल जा कर रहा है यार ये। अबे हमने न्यूज ना देखी हो कहीं वार तो नहीं छिड़ रखी युद्ध हो रहा और हम भैंचो जा रहे हो बॉर्डर के पास। तू देख रहा है साहब टैंक लेके जा रहे हैं ये बफोर्स गन है। टायर टूर लगा के इतने दाब दिया हमें, ये देख सारी फोर्स की गाड़ी है। आरजे राजस्थान नंबर है ये, अबे आरजे देख पड़ा ये वाला पीछे देख, देखा और ये 455 भैंचो क्या सीन है। पूछ ना पूछ इससे, पूछ पुलिस वाले से, बोल ना जल्दी श्रीनगर भैंचो ना बोल रहा मैं तो पूछ, मैं पूछने को बोलता हूँ तो तेरे बोलने में शर्माती है क्या? मेरे हेलमेट से आवाज ही नहीं जाती भैंचो। ये सोने लग रहा है तमिलनाडु का फौजी,
अबे हम कितनी देर से इन ट्रकों को क्रॉस कर रहे हैं और ये ट्रक बंद नहीं हो रहे, देख ले। श्रीनगर चाहता है वैंचो कटआउट मारना सीधा, देखिए आर्मी कैंप। अबे ये क्या जा रहे हैं, और सब लोडेड है, सबके हाथ में गन है, देख रहे तू। HR 55 वो गाड़ी गई राजस्थान नंबर। इन ये है क्या सोदा बहनचोद यार, बिल्कुल लंच टाइम हो गया, अब 2:15 जाने का टाइम आ गया। अभी वो बस वाला मारता हूँ, देख नाइट व्यू डल लेक का, ये दोनों भाई हैं। एक काम कर ले, जिन्होंने हमें बताया उतार दो, फिर गाड़ी रखने के पार्किंग में। ये डल लेक वाला रोड है, और अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से सीधा शिकारे की तरफ, और आप सामने देख रहे हैं सारा शिकारे वाला जो है लाइन से दूर तक। शिकारा भी इस बोट के साथ जाएंगे। उमर और उमर भाई है हमारे होस्ट, जिनके पास हम रुकेंगे, और हमारे गंजा ऑलरेडी बैठा हुआ है जाहिद भाई। पूरे चल 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 यार, मेरे ये मेरा वेट ज्यादा है क्या, गिराया ये तो हिल बहुत रही है। इस साइड पकामा आराम से भाई। अंकल जी आपका नाम? अमा भाई, अमा अहमद भाई, अहमद भाई, अहमद भाई, उनकी बोट पे जाएंगे हम। और ये अपन कर रहे हैं शिकारा, फल पीते हैं बिल्कुल ऐसा पिएंगे। तू भी बोलेगा चिलम में तो चिलम में। अच्छा मतलब अपने साथ है कुछ? हां है मेरे को, मना लेगा मना लेगा आगे नहीं। हेलो क्या देखो भाई, ठीक है यार, अबे सारा रिकॉर्ड हो गया यार, क्या जम बकवास कर रहे हो। हां बस और लेके
चाहे कोई ले ले जाना जी ले ले चाहे कोई मुझे जंगली कहे सजा मंगा कहने को भी कहता रहे हम प्यार के दीवारों में अरे बारिश गरजी रे मैं तो ज्यादा ही अरे बिल्कुल बिल्कुल अरे पता है मी, मी, हम लोगों को तो मीडिया वाले ने ज्यादा डरा रखा था ये देखो नरेंद्र को फुल चिल मार रहा है शिकारे में शिकारा कह रहे हाउस बोट में पीछे का नजारा भारत का इटली वेनिस ऑफ इंडिया आप इसे कंपेयर कर सकते हो वेनिस से और उससे ब्यूटीफुल ही लगेगा आपको रुमाल रोटी भी ये देखो हाँ रुमाल रोटी में लगा दो चिकन ये देखो भाई चिकन कितना प्लेट दो प्लेट ना आप लोगे हाँ ले लेंगे यार चार प्लेट बना दो चार खाने वाले खानदान से ए भाई देखो अब ये रात का टाइम है यहाँ रात को निकले हम करने के लिए क्या बोलते हैं शिकारा और देखो नजारा ये देखो पूरा नजारा और आइए बोट ये पूरे 50 किलोमीटर तक ऐसा ही है ये देखो बोट आइए लेने के लिए इधर देखा ये देखो ये बोट आइए ये बोट में चिकन टिक्का लाइव लाइव चिकन यहाँ रहो शाम को निकलो मस्त बोट में जैसा करना है आपको पार्टी वैसी पार्टी करो कौन से देखिए हम ये घूमने आए शिकारपुर आप देख सकते हैं हमारे सामने आए देने के लिए फ्रेश फ्रेश बिल्कुल अभी सामने सेकेंगे और सेकने के बाद देंगे भैया आपका नाम क्या है हिलाल हिलाल जी अब हमारे लिए बना रहे हैं सीख कबाब रुमाली रोटी के साथ अरे देखो ये उमर भाई है और हमें नाइट की आउटिंग के लिए निकले हुए हैं चिल मारने के लिए ये विक्रांत कटारिया सामने है दो ऐसे रुमाली रोटी मिल रही है और ऐसे मिला डंडे में देखो सीख का सीख और ये चटनी अभी लाइट नहीं है बड़ी अफसोस की बात है क्योंकि रात का ले भाई ये चटनी के साथ हाँ एक है ना खबूस जैसा है ये खबूस जो होता है बिल्कुल उसी के जैसे शुक्रिया थैंक यू खुदा हाफिज खा के चलो अब यहाँ से वापस।